हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियाज लवली किचन। आज हम बनाएंगे पनीर। पनीर घर पे आसानी से बन जाता है। पनीर बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें चाहिए दूध और नींबू का रस। तो चलो, ये पनीर बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालना है। देखो, इसी तरह से मैंने दूध को अच्छी तरह से उबाला है। देखो, इसी तरह से दूध को अच्छी तरह से उबाला है। इसमें डालेंगे नींबू का रस। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। गैस की आंच बिल्कुल ही धीमी रखना है। इसी तरह से डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम गैस की आंच थोड़ी बढ़ाते हैं। देखो, बचा हुआ नींबू का रस भी हम इसमें डालेंगे। मिक्स करते जाएंगे। देखो, ये दूध फटने लगा है, इतने से पनीर छेना अच्छी तरह से जमने लगा है। देखो, इसी तरह से देखो, जस्ट 2 मिनट में ये दूध फट गया। ज्यादा इसको मिक्स नहीं करना है, नहीं तो आपका पनीर अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा। मैं अभी गैस बंद करती हूँ। देखो, कितनी अच्छी तरह से पनीर जम गया। देखो, इसी तरह से पनीर बहुत अच्छी तरह से जम गया है। चलो, अभी हम इसको छानते हैं। देखो, पनीर छानने के लिए इधर मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और एक स्ट्रेनर लिया है। स्ट्रेनर में इसके ऊपर रखूंगी और एक कॉटन का मलमल का कपड़ा। अब हम इसमें डालेंगे एक पनीर। वाह, देखो कितनी अच्छी तरह से पनीर जम गए। एक कपड़ा को निकालेंगे। हाथ से ऊपर से थोड़ा इसी तरह से दबा के पूरा पानी निकालेंगे। देखो, इसी तरह से मैंने इसके अंदर का पूरा पानी निकाला है। देखो, ये जो बचा हुआ पानी है ये आप यूज भी कर सकते हो। रोटी के लिए आटा गूंदना है तो आप ये पानी में आटा गूंद सकते हो। इससे रोटी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बन जाती है और टेस्ट भी अच्छी आती है। मैं इस पानी को साइड में रखती हूँ। देखो, इधर मैंने एक बोर्ड लिया है और बोर्ड के ऊपर एक पनीर मैं इसी तरह से निकाल के रखूंगी, ताकि अच्छी तरह से पनीर सेट होना चाहिए। और इसके ऊपर मेरे पास एक हेवी बोर्ड है, मैं इसके ऊपर रखूंगी। और इसी तरह से हमें 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 1 घंटे के बाद बहुत ही अच्छा एक पनीर बन जाएगा। चलो, 1 घंटे के लिए ऐसे ही रख देते हैं। 1 घंटे में ये पनीर बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाएगा। देखो, 1 घंटा हुआ है, हमारा एक पनीर बहुत अच्छी तरह से सेट होके तैयार है। मैंने इस पनीर के ऊपर एक बहुत ही हेवी मार्बल बोर्ड रखा है। तो देखो, ये पनीर बहुत अच्छी तरह से बन गए। चलो, मैं इसको निकालती हूँ। वाह, देखो, इस बोर्ड के ऊपर ही मैं निकालती हूँ। देखो, इसी तरह से घर पे बना हुआ पनीर जैसे आपको छोटे क्यूब्स में चाहिए, बड़े क्यूब्स में चाहिए, उस तरह से आप कट कर सकते हो। देखो, इसी तरह से मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। इसको चौकोर में कट करती हूँ, क्योंकि साइड वाला ये जो पार्ट है वो भी निकल जाएगा।
दिखाती हूँ, देखो कितनी अच्छी तरह से ये पनीर के क्यूब्स बन गए हैं। देखो कितनी अच्छी तरह से मार्केट में जिस जिस तरह से पनीर मिलता है उस तरह से ये पनीर बन गया है। देखो सॉफ्ट भी है और बिल्कुल ही, देखो मैं इसको ऊपर से इसी तरह से डालती हूँ तो भी ये नहीं टूटता है। तो चलो आप भी जरूर इसी तरह से घर पे ही पनीर बनाइए। इस पनीर से पनीर की कौन सी भी सब्जी बना सकते हो, पराठे बना सकते हो, भुर्जी भी बना सकते हो। घर पे ही पनीर बनाना बहुत ही आसान है, जरूर ट्राई कीजिए। मेरी ये पनीर की रेसिपी आपको हेल्पफुल लगी तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को भी शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।